गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइसेल्फ प्रभात पाराशर, टीचर ऑफ साइंस. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. दिस इज अ चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 7th. सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस. लुक एट द बोर्ड. न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर द बॉडी. न्यूट्रिशन हिंदी में समझते हैं अपन, होता क्या है. न्यूट्रिशन मतलब जो अपन खाते हैं उसका बॉडी में कंज्यूम होता है, उसका यूटिलाइज होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. हिंदी में उसको पोषण बोलते हैं. कैसे होता है देखिए, यहाँ पे लिखा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के मोड्स यानी तरीके कौन से होते हैं. फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. यहाँ पे दो मोड्स बताए गए हैं. ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाए वो ऑटोट्रॉफिक होगा. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन अदर्स. हेटरोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरे पे डिपेंड होता है. फिर अपन जो आते हैं ह्यूमन बींग या एनिमल, वो किस में आते हैं, वो सब हेटरोट्रॉफिक में आते हैं, क्योंकि अपना खाना जो अपने पास आता है ये कहीं अपन कहीं किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है. ये कहाँ बनता है, ये प्लांट से आता है अपने पास. भाई आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आपको पता है. वेजिटेरियन मीन्स जो प्लांट्स पे डिपेंड होंगे वो सब वो वेजिटेरियन होंगे, जो एनिमल पे डिपेंड होंगे वो नॉन वेजिटेरियन होंगे. बट वो भी कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफिक मतलब ह्यूमन बींग एंड ऑल एनिमल्स वो क्या हुए, हेटरोट्रॉफिक. ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाए वो ऑटोट्रॉफिक. हेटरोट्रॉफिक मीन्स जो डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफिक. अब अपन पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. कैसे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. प्लांट्स कैसे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाए. हाउ, कैसे बनते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैसे बनाते हैं भाई, हाउ, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये अपन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे अपन, उसके अपने बारे में अपन डिस्कस करेंगे भी. व्हाई प्लांट्स एंड ट्रीज अपीयर ग्रीन. क्या आपने सोचा है कभी कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, कोई और कलर के क्यों नहीं होते. कि नॉर्मली ग्रीन कलर ही दिखता आपको, 99% या 95% आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा. कुछ 1-2% या 5% आप मान लो कि वो येलो या कुछ अदर कलर होगा, बट वो नॉर्मली 95% आपको ग्रीन मिलेंगे. क्लोरोफिल गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर. क्लोरोफिल, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो उसको ग्रीन कलर देता है, जो रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है. इसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण. नाउ फोटोसिंथेसिस. अब अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा अपन ने फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. फोटोसिंथेसिस, इसके लिए रॉ मटेरियल्स, मतलब फोटोसिंथेसिस होता कैसे. नंबर 1 है सनलाइट, सेकेंड 1 है क्लोरोफिल, थर्ड नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर. चारों साउंड में आ गए आपको, रिपीट करता हूँ. रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट नंबर सनलाइट, सेकेंड नंबर क्लोरोफिल, थर्ड नंबर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ नंबर वाटर. ये चार चीज़ों को मिलके फोटोसिंथेसिस होती है. इट विल नॉट टेक प्लेस इफ एनी ऑफ दिस. इसमें से यदि कोई अब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. जैसे सनलाइट, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाना शुरू करते हैं वो सनलाइट के साथ, मतलब सुबह होती है उनका प्लांट्स का अपना खाना बनना शुरू. देन क्लोरोफिल, अभी बताया था क्लोरोफिल ग्रीन कलर होता है उसके अंदर, जो लीव्स में होता है या ट्रीज की लीव्स में. देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. मतलब अपने लिए कौन बेनिफिट है, प्लांट्स अपने लिए कैसे बेनिफिट है कि अपने को ऑक्सीजन देते हैं, अपने उल्टे अपने से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. देन वाटर,
पानी ये भी ज़रूरी है। अब इसके बारे में अपन चारों में डिस्कस करेंगे डिटेल में, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिक्वायरमेंट्स इन सनलाइट, देन क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर। जो आपको चार चीज़ें आपको बताई थी मैंने कि चारों चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, यहाँ पर है सनलाइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट। सबसे ज़रूरी होता है सनलाइट, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी कि जो अपना प्लांट्स हैं अपना खाना सनलाइट के ड्यूरेशन में ही बनाएंगे, और रात होने पर अपना प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते। क्लोरोफिल द ग्रीन कलर पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट, जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट, जो जो ट्रीज और प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, आपको पता है। इसके कारण ये क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। नाउ सेकंड नंबर क्लोरोफिल, ये होता क्या, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो अपने को धूप में जो गर्मी होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और वो होगी सोलर एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। एनर्जी ना तो प्रोड्यूस होती है ना एक्सपायर होती है, सिर्फ इंटरचेंज होता जाता है। यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में, और वो काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सोलर एनर्जी लेगा और उसको वो किस में करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कुछ प्लांट्स में रेड, ब्राउन, येलो, ये प्लांट्स के कलर होते हैं, बट ये कैसे रहते हैं, हिडन क्लोरोफिल। इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं वो रेड भी होती हैं, कुछ की ब्राउन भी होती हैं, कुछ की येलो भी होती हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इट हिडन क्लोरोफिल है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइ कार्बोहाइड्रेट इट मीन्स ग्लूकोज इस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये क्या करता है, प्लांट्स इसको मिला के वो क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। नेक्स्ट है वाटर, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जो भी प्लांट्स होगा वो क्या करेगा, अपने सॉइल में जो उसकी रूट्स होंगी, रूट से जो अपन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर से पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट होगा। इसमें एक जाइलम सेल्स होती हैं, वो उसको पूरे पानी को पूरे प्लांट्स में पहुंचाती हैं। इसके बारे में और अपन आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन और आगे पढ़ेंगे। अब अपन फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, द फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड मीन्स ग्लूकोज बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस कब होगी, जब सनलाइट होगा, वाटर होगा, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इन चारों चीज़ों को मिला के क्या बनेगी प्रोसीजर, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें यह एक इक्वेशन लिखी है, यह CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते कैसे हैं, CO2 H2O, वाटर को H2O लिखते हैं। ये ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, देन ऑक्सीजन O2। यहाँ पे इसके कंपाउंड कितने हैं, 6 हैं, इसके भी 6 हैं, इसके 1 है और ये ऑक्सीजन 6 है। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, वाटर है, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन। यहाँ पे एक एरो बना है, मतलब प्रोसीजर ऐसी चलेगी। यहाँ पे सनलाइट, मतलब ये कब होगा, सनलाइट हो और क्लोरोफिल हो, यानी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो इससे बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन अपने को मिलती है, या जो इससे गाड़ियाँ चलती हैं, यानी जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, अपन लोगों को भी ऑक्सीजन चाहिए, मगर बदले में छोड़ते क्या, अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी हुई अपन ने, वो कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है, और प्लांट और उसके साथ वाटर लेके वो क्या बना के दे रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। यानी प्लांट्स अपने लिए बहुत काम का होता है।
अब अपन देख रहे हैं साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। प्लांट में अपन पूरा प्लांट दिखता है, पर ये किस जगह पर होता है। यहाँ पे प्लांट्स में आपको पता है कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि जो प्लांट्स का कलर है वो ग्रीन है, वो किस वजह से, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल इसको ग्रीन कलर दे देता है पूरे प्लांट्स को। अब यहाँ पे लीव्स एंड स्टेम्स, यानी को जो लीव्स होती है, यानी कि 90% लीव्स यानी पत्तियों से, और कुछ परसेंट स्टेम से, यानी जो कुछ प्लांट्स जो छोटे होते हैं वो ग्रीन, उनके स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं। मतलब वाट से भी फोटोसिंथेसिस होती है, बट मैक्सिमम उसका जो है वो लीव्स है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, मतलब जो अपना खाना अपने किचन में बनता है तो ऐसी प्लांट्स का खाना उसकी पत्तियों में बनता है। मतलब उसकी जो फूड की फैक्ट्री वो कहाँ पर है, लीव्स में, यानी कि प्लांट्स है तो उसकी अगर लीव्स हैं तो उसमें वो खाना बनता है। आगे अपन पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, यानी कि लीव्स के आगे अपन डिस्कस करते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा होता क्या है, यहाँ पे लिखा है टीनी पोर्स, मतलब लीव्स होती है ना पत्तियों के अंदर, टीनी पोर्स, टीनी मतलब बहुत छोटा होता है। जैसे पोर्स को आपको कैसे समझाएं, जैसे पानी का मटका होता है, उस पानी के मटके में अपन पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद में जो बहुत उस पर पोर्स, मतलब बहुत बारीक, जो अपने को दिखाई नहीं देता है, ऐसे बहुत छेद होते हैं बहुत बारीक से, उनमें से पानी बाहर आता है, नीचे टपकता रहता है, इससे पानी ठंडा होता रहता है, हवा लगती है मटके को और वो पानी ठंडा होने लगता है। तो ऐसे पोर्स किसके अंदर, लीव्स के अंदर होते हैं, वो टीनी पोर्स बोलते हैं, और वो टीनी पोर्स हो उसको बोलेंगे स्टोमेटा। वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी होती है। फूड फॉर प्लांट, क्योंकि प्लांट का खुद का भी तो चलाना है, इसके लिए वो अपना खुद भोजन बनाए। प्रोवाइड फूड फॉर अस एंड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, जो वेजिटेरियन एनिमल्स, मतलब कि अपने जो हर्बीवोरस होते हैं, उन लोगों के लिए कम से कम ये प्लांट प्रोवाइड, फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में सेकंड है, हेल्प्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस हैं, मतलब ये पूरा 100% हो जाता है। इस 100% में जो ऑक्सीजन है वो 21%, सोचो यदि प्लांट ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो 21% ऑक्सीजन एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगी अपने को, क्या फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर, उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड बनना है या अदर गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें 1% का परसेंट बढ़ने लगेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और बढ़ के जो एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही ना वैसे ही। तो अपने लिए ग्रीन प्लांट क्यों ज़रूरी हैं, और ये गवर्नमेंट क्यों कहती है कि प्लांटेशन करो, क्योंकि प्लांटेशन करने से ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा मिलता है, ग्रीननेस बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, जो मेंटेनेंस है जो गैसेस का वो भी बना रहता है। ये आपको समझ में आया कि हेल्प्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस, मतलब कि ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होना चाहिए, वो क्या करता है प्लांट अपने को वो प्रोवाइड कर देता है। देन ऑक्सीजन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना चलने से, कोई एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है या कुछ भी है, वो क्या, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि उसको सर्वाइव, यानी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो लाइक करना है। कोई यदि आपके क्वेश्चन राइज हो रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के आपको क्वेश्चन पूछने हैं, और शेयर भी करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। थैंक यू।